है गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएस पैशन में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। मेरा नाम है संगीता और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का दिन है बुधवार और डेट है 8 फरवरी। दो दिन से मेरी मेड नहीं आ रही है तो काम बड़ा हुआ है फ्रेंड्स। ये जो बर्तन मैं समेट रही हूँ ना, ये दोपहर का बर्तन है। रात का बर्तन तो अभी मुझे धोना ही है जो कि सिंक में पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ उससे पहले चाय बना लेती हूँ और गर्म पानी पी लेती हूँ, तो वही मैं करने आ गई हूँ। मेड नहीं आती ना तो इतना काम बढ़ जाता है कि मत पूछिए। बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, प्लस साथ साथ घर भी अरेंज करना है और समय से खाना भी बना के देना होता है। इतना सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अकेले के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि खाना पहले बना लो क्योंकि बाकी काम तो धीरे धीरे होते ही रहेगा, लेकिन भूख लग जाएगी तो फिर कहाँ जाएंगे खाने, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं अपना चाय बना रही हूँ, साथ साथ गर्म पानी भी कर रही हूँ पीने के लिए, क्योंकि मैं गर्म पानी सबसे पहले पीती हूँ गाइज, उसके बाद ही मैं कुछ भी खाना होता है सो खाती हूँ। मैं यहाँ पे चाय के साथ साथ राइस भी बैठा रही हूँ बगल में, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए मटन मंगा लूँ। फ्रेंड्स 6 से 7 महीना हो गया है मैं मटन नहीं खाई हूँ। एक्चुअली बेंगलोर में मटन उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं आता। अगर आप शॉप पे जाके लेंगे ना तो आपको मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का, पर मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ तो ऑनलाइन में पीसेज उतने अच्छे नहीं आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। पर बहुत ज़्यादा दिन हो गया है तो सोची आज मैं खा लेती हूँ। तो मैं उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, बिहारी स्टाइल मटन करी की रेसिपी। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड्स, मैं अच्छे से उसकी फुल रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं राइस बैठा दी हूँ क्योंकि मैं नॉनवेज के साथ राइस खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और साथ साथ मैं अपने हस्बैंड के लिए भी कुछ खाना बना लूँगी क्योंकि वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। मैं खाती हूँ पर वो नहीं खाते हैं। तो जिस दिन मैं कुछ मंगाती हूँ ना अपने लिए नॉनवेज, तो मेरा काम तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि दो दो खाना बनाना पड़ जाता है। ऊपर से मेड नहीं आ रही है। ये जो बर्तन है ना, ये रात वाला बर्तन है। रात में मैं हक्का नूडल्स बनाई थी तो वही बर्तन हो गया था, ज़्यादा नहीं है, बस एक कढ़ाई, 2-4 प्लेट, कप। तो वही मैं सोच रही हूँ कि धो के हटा दूँ। वैसे तो मेड बोली है कि आज आएंगे, पर गाइस जब तक वो आ नहीं जाती है काम करने ना, उस पर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कई बार हुआ है कि बोलती है कि आ जाएंगे पर वो आती नहीं है, तो काम और भी ज़्यादा मेरा बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं जो भी बर्तन है उसे क्लीन करके यहाँ पे रख दे रही हूँ। गाइज ये जो रेसिपी मैं आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरा नहीं, मेरे सासू माँ की रेसिपी है। मेरे यहाँ मतलब मेरे मायके में तो ये इस तरह से मटर की सब्जी कभी बनती नहीं थी, लेकिन मैं जब ससुराल आई तो देखी कि सासू माँ इस तरह से बनाती हूँ, तो बहुत टेस्टी ही बनता है गाइज, और बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो मैं सोची हस्बैंड के लिए आज यही बना देती हूँ। तो मैं थोड़ा सा ले ली थी धनिया का पत्ता, साथ में था 6 से 7 गार्लिक और 2-3 हरी मिर्च, उसको मैं दरदरा पीस ली हूँ। तो बस हस्बैंड के लिए बना रही हूँ तो ज़्यादा नहीं, बस एक छोटा सा मीडियम साइज़ का आलू ले ली हूँ और इस तरह से इसे छोटा छोटा काट ली हूँ। ये आप देख सकते हैं इसका साइज़, बड़ा बड़ा नहीं काटना होता इसमें आलू को, छोटा छोटा ही काटना होता है। तो कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच तेल, डालेंगे जीरा, आलू डाल देंगे और आलू को हल्का सा गोल्डन कर लीजिएगा, हल्का सा एक लेयर आ जाता है ना तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, सौंधा सौंधा सा, आप देख सकते हैं इस तरह से। बहुत ज़्यादा मत पका दीजिएगा क्योंकि ये मटर के साथ भी पकेगा ना तो काफ़ी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा खाने में। मटर डालेंगे इसमें, पकाएंगे नहीं। यहीं पे मैं 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दे रही हूँ, बहुत थोड़ा सा हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है इस सब्ज़ी में, बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किया जाता है। साथ में पिसा हुआ जो धनिया पत्ता का मसाला था ना वो डाल देंगे और साथ में नमक डाल देंगे और पानी डाल के इसे 10 मिनट के लिए हम पकने के लिए रख देंगे। साथ ही मैं मटन की भी तैयारी कर लेती हूँ। मैं तो 1 गांठ लहसुन ले ली हूँ, कम से कम 20 से 25 लहसुन होगा, 1 इंच अदरक, 4 से 5 हरी मिर्च और 4 लाल मिर्च भी ले रही हूँ मैं, और 1 छोटी चम्मच जीरा, 8 से 10 काली मिर्च ले लेंगे। गाइज जो हमारे यहाँ जो बिहारी स्टाइल जो मटर करी बनता है ना, वो मसाला पीस के ही बनाया जाता है, खड़ा मसाला से बहुत कमी रेसिपी बनती है उधर, तो सारे मसाले पीस के ही बनते हैं, और पीस के मसाला बनाने से ना टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। वैसे तो पहले सिलबट्टे में पीसा जाता था, पर सिलबट्टा कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, तो मिक्सी में ही पीस लिया जाता है। और यहाँ पे मैं प्याज को काट के रख दे रही हूँ, अभी मटन नहीं आया है फ्रेंड्स, अभी आने में टाइम है उसको, तब तक मैं सोच रही हूँ कि तैयारी कर लेती हूँ। तो 1/2 kg मटन के लिए मैं 3 मीडियम साइज का प्याज ले ली हूँ, उसे बारीक पतला पतला इस तरह से मैं काट ली हूँ। तो सारी तैयारी मेरी हो चुकी है, तड़के में मैं ली हूँ तेजपत्ता, लाल मिर्च, जीरा, 4 से 5 लहसुन, और इधर देख लीजिए हल्का सा पानी है। तो सारा आलू और मटर दोनों सॉफ्ट हो गया है, तो हाई फ्लेम पर इस तरह से ड्राई कर देंगे, और ये देखिए सब्जी बनते बनते मेरा मटन भी आ गया।
पर गाइज मैं जब सारा भेज रेसिपी बना लूँगी ना तभी मैं अपना नॉनवेज स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं रोटी बना दे रही हूँ सब्जी के साथ खाने के लिए, उसके बाद मटन की मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिहारी मटन कढ़ी की रेसिपी। तो मैं यहाँ सरसों का तेल ले ली हूँ 5 से 6 चम्मच। तेल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही किया जाता है और सरसों के तेल में ही बनाइएगा, तभी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है बिहारी मटन कढ़ी का। तो जो मैं आप लोगों को दिखाई थी ना तड़का, वो इसमें डाल दीजिएगा। और जब तड़का हल्का सा ब्राउन हो जाए तो प्याज डाल देना है और थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और प्याज को सुनहरा होने तक हम भून लेंगे। ये देखिए मैं नमक डाल दे रही हूँ। गाइज मैं जिस तरह से बता रही हूँ ना उस तरह से रेसिपी आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत यम्मी बन के रेडी होता है। और मटन डालेंगे इसमें और हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए मटन को हम अच्छे से भूनेंगे। इसका जो कलर है ना मटन का वो वाइट हो जाएगा भूनते भूनते। जब मटन 5 से 6 मिनट के लिए भून जाएगा ना तब इसमें हम डालेंगे हल्दी। ज़्यादा हल्दी का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है गाइज, मतलब आधा चम्मच डाल दीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। और हल्दी को भी हल्का सा पका लेंगे। उसके बाद पीसा हुआ मसाला डाल देंगे, जो आप लोग को मैं दिखाई थी ना मसाला, वो इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छे से भूनना है कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। आपको मैं दिखाती हूँ, तो ये देखिए गाइस कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब आपको प्याज जो है ना बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और ऑयल एकदम सेपरेट हो जाएगा मसालों से। जितने अच्छे से आप इसकी भुनाई करेंगे ना बिहारी मटन कढ़ी उतना ही लजीज बन के रेडी होने वाला है, बहुत ही यम्मी। अब मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। मैं इसे कम से कम 30 से 40 मिनट तक भूनी थी गाइस, आप लोग भी ज़रूर भूनिएगा तभी बहुत अच्छा बनेगा। पानी डाल देंगे जैसा भी आपको ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और साथ में लास्ट में इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला, क्योंकि मसाला पीसते टाइम मैं उसमें गरम मसाला इस्तेमाल नहीं की थी। तो ऊपर से गरम मसाला डाल देंगे और लिड लगा के इसे 3 से 4 मिसल तक पका लेंगे, या फिर आपका मटन जितने मिसल में पकता हो पका लीजिएगा। बेंगलोर का मटन पकने में कम से कम 8 से 10 मिसल लगाना पड़ जाता है मुझे। तो फाइनली मेरा मटन बन के रेडी हो चुका है, मटन के साथ साथ प्लेन राइस, बहुत ही यम्मी लगता है गाइस ये खाने में। गाइज मेरा खाना तो बन गया, दोपहर में भी मैं यही खाने वाली हूँ। पर मैं हस्बैंड के लिए मटर की सब्जी रोटी बनाई थी ना, तो वो मुंह फुला लिए थे, उन्हें मटर की सब्जी नहीं चाहिए थी। तो मैं क्या की ना कि राइस मैं पकाई थी, ज़्यादा पका दी थी राइस। तो यहाँ पे मैं सजवान फ्राइड राइस बना दे रही हूँ उनके लिए दोपहर के लंच के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या की हूँ कि 2 चम्मच मैं तेल डाली हूँ और उसमें डाल दी थी कद्दूकस किया हुआ गार्लिक, मिर्च, प्याज और जितना ही वेजिटेबल्स था ना वो इसमें डाल के 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो वेजिटेबल्स में मैं पत्ता गोभी, बंद गोभी, गाजर हाँ इतना ही था। तो जितना भी आप लोग के पास सब्जी हो वो आप ले सकते हैं, मेरे पास यही 2 से 3 सब्जी अवेलेबल थी तो वही मैं इसमें डाल दे रही हूँ। साथ में ये राइस डाल देंगे। और ये देखिए मैं सजवाइन का ये जो मसाला आता है ना वो मेरे पास था, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसे बस अच्छे से मिला लूँगी। मुझे लगा था कि हाफ पैकेट डालूँगे तो हो जाएगा, पर मुझे मसाला थोड़ा कम लगा तो बाद में मैं पूरा पैकेट मसाला इसमें डाल दी थी। गाइस इसमें अलग से नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, गलती से भी आप लोग मत डाल दीजिएगा, क्योंकि मसाले में नमक रहता है सफिशियंट, अलग से नमक नहीं डालना पड़ता है। तो फाइनली मेरा ये राइस बन के हो गया कम्प्लीट, ऊपर से डाल देंगे धनिया पत्ता। हस्बैंड का लंच बन के हो गया कम्प्लीट। तो गाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अब वीडियो का एंड मैं यहीं पे करूँगी। होप कि आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को भर भर के लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे ना तभी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।